मॉर्निंग क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 18th सेंचुरी। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री बुक। फाइन, सो जो हमने चैप्टर अभी किया था ज्योग्राफी का, मैंने वो एक्सप्लेन पूरा कर दिया है। उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, वो मैं आप लोग को करवा दूँगी। प्लस एक हिस्ट्री के एक चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, दैट वी विल डू इट पोस्ट फिनिशिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फाइन, सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द 18th सेंचुरी। हाउ द वॉट वर द डेवलपमेंट्स, किस तरीके से बदल रहा था हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, किस तरीके से पॉलिटिक्स जो था वो प्रगति कर रहा था 18th सेंचुरी में। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग का जो कंट्री है वो मिनिस्टर्स रन करते हैं ना, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। बच्चे, इस बारे में हम ऑलरेडी कितनी बार सिविक्स में डिस्कस भी कर चुके हैं, है ना। सो एक पर्सन नहीं रिस्पॉन्सिबल होता ना एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। देर आर सो मैनी पीपल वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, है ना। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे गवर्नमेंट शिफ्ट होती है वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी गवर्नमेंट को शिफ्ट हो जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पावर है वो आपकी शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। सो अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से पावर जो थी वो 18th सेंचुरी में डिफरेंट नंबर ऑफ डिनेस्टीज़ को शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि 18th सेंचुरी के आते आते तक डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी डिनेस्टीज़ थी वो बढ़ रही थी, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी इज कैरेक्टराइज बाय द इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स एंड पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, है ना। सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो 18th सेंचुरी में जानी जाती है नए नए किंगडम, नए नए पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के लिए, ठीक है। सो द मुगल एम्पायर जो था वो इस समय पर डिक्लाइन हो रहा था। हम इस चैप्टर के पहले पढ़ चुके हैं ना कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो उनके आगे आने वाले रूलर्स थे, दे वर नॉट कैपेबल रूलर्स। तो क्या होने लगा, वापस से जो पूरा का पूरा रूल था मुगल्स का, वो धीरे धीरे फिर से पहले की तरह छोटे छोटे डिनेस्टीज़ में डेवलप होने लगा। डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ वापस से उभरने लगी, जैसे कि मराठास, राजपूत, जाट एंड सिख कम्युनिटीज़, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द लेटर मुगल्स, जो बाद के मुगल्स थे औरंगज़ेब की डेथ के बाद। द एम्परर नोन एज लेटर मुगल्स वर बहादुर शाह, जहानदार शाह, ठीक है। ये सब कुछ नाम लिखे हैं जो लेटर, मतलब जब ख़त्म होने लगा था मुगल एम्पायर जो था उस समय पर, कौन कौन जो हमारे मुगल्स थे वो रहे, ठीक है। सो इन मुगल्स को भी 17th सेंचुरी के आखिर आने आने तक इन लोगों को बहुत से स्ट्रगल्स फेस करने पड़े। वो लोग बहुत ज़्यादा काबिल नहीं थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं थी कि वो मुगल एम्पायर को क्या कर सके, संभाल कर रख सके। सो अब हम पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर। इन अक्टूबर 1764 CE बैटल ऑफ बक्सर जो थी आपकी वो हुई, किसके बीच में हुई बेटा, शाह आलम एंड नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल कि ब्रिटिश आर्मी ने उसको लेड किया। और किसने लेड किया, मतलब कि ब्रिटिश आर्मी ने उस लड़ाई को, बैटल ऑफ बक्सर को लीड किया। और कौन उसमें लीडर थे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, हेक्टर मुनरो। सो द मुगल एम्परर अलॉन्ग विद हिज एलियास वर डिफीटेड। अब ये क्या थे, जो मुगल एम्परर और जो उनके साथी थे साथ में, उनको ब्रिटिश आर्मी ने डिफीट कर दिया। तो इस रिजल्ट से क्या हुआ कि एकदम से मुगल एम्परर जो था वो ख़त्म हो गया। अब ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन जगहों का रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया, ठीक है। द ब्रिटिश वर टू पे मुगल एम्परर शाह आलम एन एनुअल पेंशन, और उन उसके लिए ये लोग एनुअल पेंशन 26 लाख रुपए सालाना शाह आलम को देनी पड़ती थी, देते थे ये लोग ब्रिटिशर्स एज अ पेंशन, ठीक है। तो ये भी इन लोगों का एक तरीका था सिर्फ लोगों को ये जताने का कि हमने आपके ऊपर रूल नहीं किया है, हम तो भाई पेंशन दे रहे हैं, हम तो आपकी कंट्री में आकर आए हैं और हमने इनको हराया है, तो यहाँ का रेवेन्यू, इन जगहों का रेवेन्यू हम कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बदले में हम शाह आलम जो आखिर लास्ट रूलर थे मुगल एम्परर के, उनको पेंशन दे रहे हैं।
बहादुर शाह जफर जो कि 1775 में बॉर्न हुए थे, वो आखिरी रूलर रहे हैं मुगल एम्परर के। वो एक बहुत ही बेहतरीन पोइट भी रहे, ठीक है, बट वॉज इनकम्पिटेंट एज अ रूलर। लेकिन एज अ रूलर वो कुछ खास अच्छे नहीं थे, वो उस लायक नहीं थे, इतने कॉम्पिटेंट वो नहीं थे। तो बहादुर शाह जफर ने 1857 की रिवॉल्ट में भी अगेंस्ट लड़ा ब्रिटिशर्स के, बट ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया। बहादुर शाह के दो बेटे थे और उनके बेटों के भी बच्चे थे, तो उनको बहुत बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने मार दिया। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्परर। और आखिर में मुगल्स ने क्या करा, मुगल्स को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया, ठीक है। तो ब्रिटिश बहादुर शाह वॉज एक्साइल टू रंगून एंड लिव्ड देयर एज अ प्रिजनर अल्टिल द डेथ। तो उनको क्या किया, रंगून एक जगह थी वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और जब तक उनकी डेथ नहीं हुई 1862 CE में, बहादुर शाह जफर को उसी जेल के अंदर बंद कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कि क्या रीजंस रहे जो इतना बड़ा एम्परर था, मुगल एम्परर, जिसने पूरा देश जीत के लिया था, पूरा हिंदुस्तान को एक बना दिया था, उनके क्या रीजंस रहे कि वो डिक्लाइन हो गए, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा ये चीज़ आपकी औरंगज़ेब के समय से ही शुरू हो गई थी। औरंगज़ेब जो था वो फाइनेंशियल एंड मिलिट्री रिसोर्सेज इन हिज वॉर अगेंस्ट द डेक्कन। तो औरंगज़ेब ने बहुत सारी अपनी आर्मी और बहुत सारा अपना पैसा डेक्कन की तरफ, मतलब साउथ की तरफ, वो चाहता था अपनी टेरिटरी बनाना, तो वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया पैसे का और मिलिट्री का, उसकी वजह से उसको काफ़ी नुकसान हुआ। अब ये लंबी वॉर जो चली, तो औरंगज़ेब जो था दिल्ली से काफ़ी दूर रहा, वो डेक्कन में रहा, कहाँ आपका ऊपर दिल्ली नॉर्थ और नीचे आप साउथ में चली जाइए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम साउथ में रहता था। इसकी वजह से जो उसका कंट्रोल था नॉर्थ में ऊपर की तरफ, वो क्या होने लगा, कम होने लगा। तो औरंगज़ेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, उन्होंने भी राजपूत सिख मराठास को भी इस अपने खिलाफ कर दिया, जिसकी वजह से ये लोग छोटे छोटे गुट बनाकर मुगल एम्परर के अगेंस्ट आकर लड़ने लगे, ठीक है। सो द नोबल्स, मनसबदार, वो लोग दोबारा से पावरफुल होने लगे। और जो सक्सेसर्स और सब, उसके बाद क्या हुआ, औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो भी उनके शाह आलम टू और भी कितने सारे देखो रूलर्स आए, वो कोई लायक नहीं थे, दे वर इनकम्पिटेंट, वो इस लायक ही नहीं थे कि वो इतने बड़े राज्य को चला सके, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होने लगा, जो पावर थी वो गवर्नर्स को, लोकल जो चीफ्टियंस थे, है ना, उनको ज़्यादा मिलने लगी। उसकी वजह से छोटे छोटे गुट बन गए और मुगल एम्परर जो था धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। अब क्या था, बहुत से यूरोपियन देशों से भी लोग आ रहे थे, है ना, तो उनकी वजह से क्या हुआ कि वो लोग ने भी एक रीज़न बने। बहुत से जो यूरोपियन पावर्स थी वो छोटी छोटी टेरिटरीज को अपने अंदर करने लगे, अपने कैप्चर उनको करने लगे। अब इन्वेजन ऑफ डेली बाय नादिर शाह द किंग ऑफ पर्शिया इन 1739 CE वॉज अ मेजर सेटबैक टू द मुगल्स, ठीक है। नादिर शाह जो किंग ऑफ पर्शियन था, पर्शिया से नादिर शाह आया, ये एक सेटबैक था मुगल्स के लिए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, फेमस पिकॉक थ्रोन जो कोहिनूर डायमंड था उसको भी वो चुरा कर वो जीत कर ले गया। अहमद शाह अब्दानी आ गया अफगान से, ठीक है। अहमद शाह अब्दानी ने क्या करा, मुगल एम्परर को भी वो काफ़ी वीक कर दिया 1748 CE से 1761 में। तो धीरे धीरे जो था आपका मुगल एम्परर क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। अब नए नए कुछ स्टेट्स आ रहे थे, तो जैसे जैसे मुगल एम्परर जो था आपका ख़त्म हो रहा था, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थे बढ़ने लगे थे। हाँ, तो क्या हुआ, स्टेट्स दैट वर मुगल प्रोविंसेस जो गवर्नर के अंदर आते थे, सूबेदार, अवध, बंगाल, हैदराबाद, वो ज़्यादा पावरफुल होने लगे और उन्होंने अपना कनेक्शन जो था मुगल से तोड़ना शुरू कर दिया। दे डिड नॉट राइज इन रिवोल्ट एज वेल, बल्कि और जो रिवोल्ट भी लड़े थे, बहादुर शाह ने, जफर ने लड़ा, शाह आलम ने जो लड़ाई लड़ी, तो उनमें उसका उनका साथ भी इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। स्टेट्स दैट हैव पार्ट ऑफ मागूर एज वतन जागीर, दिस ग्रुप इंक्लूडेड टेरिटरीज। अब क्या हुआ, राजपूत भी धीरे धीरे, है ना, तो अपने आप को अलग करने लगे थे और वापस से
नई 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 प्रॉब्लम्स मुगल एम्पायर के लिए बनकर खड़े हो रहे थे। सेम इसी तरीके से मराठा, सिख और जाट ने भी लड़ाई करके अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब नए नए हम जो स्टेट्स देख रहे हैं, देखिए अवध आया 1722 में, शहादत खां जो थे यहाँ के गवर्नर थे। सो द प्रोवियंस ऑफ अवध कंप्राइसेस द एरिया लखनऊ, कानपुर, बनारस और कुछ एरिया इलाहाबाद का भी। अवध जो था एक इम्पॉर्टेंट स्टेट बनकर उभरा, और जिसकी वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया आपका मुगल्स जो था, ठीक है, मुगल एम्परर जो था धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। अब देखो यहाँ से न्यू सोशल ग्रुप्स भी बनने लगे, मनी लेंडर्स जो हमारे पैसे देते ना, मनी लेंडर्स होते हैं, बैंकर्स भी हमारे शहादत खान के रिग्न में यहाँ पर आने लगे, ठीक है, बनने लगे। तो क्या हुआ, द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट रेवेन्यू सिस्टम, जो रूलर था कंट्रोल लॉलेस एंड इम्प्रूव द फाइनेंशियल गवर्नमेंट। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो फाइनेंशियल कंडीशन गवर्नमेंट की, आई एम सॉरी, वो भी अच्छी होने लगी। हाँ, सो और ये लोग आर्ट कल्चर को भी बढ़ावा देने लगे, और इन्होंने लखनऊ को अपनी कैपिटल भी बना लिया। आर्ट कल्चर ग्रेजुअली द एक्सटेंडेड टू रोहिलखंड। अब देखो यहाँ पे पैसा बढ़ गया, तो इन्होंने रोहिलखंड की तरफ भी बढ़ना शुरू कर दिया। नाउ विल टॉक अबाउट बंगाल। बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे द मुगल कंट्रोल ओवर मुर्शिद कुली खान। हाँ, तो मुर्शिद कुली खान जो यहाँ के डिप्टी गवर्नर थे, वो बंगाल प्रोविंस को उन्होंने अलग बना दिया। हाँ, मुगल कंट्रोल से अपने आप को निकाल लिया। तो एक इम्पोर्टेंट प्रोवियांस था बेटा बंगाल, तो थ्री पावरफुल मुगल नवाब्स के अंडर ये आ गया, नवाब मुर्शिद कली खान, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब अलविदारे खान। तो ड्यूरिंग 13th सेंचुरी बंगाल जो था एक रीजनल स्टेट के जैसे उभर कर आ रहा था, ठीक है। तो अलीवर्दी खान ने, एक प्रोमिनेंट बैंकर थे बंगाल में, ठीक है, द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ वॉज एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरियस ड्यूरिंग इस रेक। तो बैंकर एक और थे जगत सेठ, वो भी एक प्रॉस्परस, एक उभर कर बैंकर बन रहे थे। तो ये जो तीन नवाब थे ना बेटा, इन्होंने काफ़ी शांति और काफ़ी वो अपने क्या कहते हैं, अपने बंगाल में काफ़ी सुख शांति लेकर आए, ठीक है। दे लुक आफ्टर द, अब ये अपने फार्मर्स के जो इंटरेस्ट थे उसको भी देखा करते थे। हाँ, तो ट्रेड भी बढ़ने लगा फॉरनर्स के साथ में भी। तो बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो बंगाल में हुई थी इन 1757, जिसकी वजह से जो पावर और कंट्रोल था वो बंगाल से कम हो गया, ख़त्म हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट हैदराबाद, निज़ामुल मुल्क आसफ जाह, ठीक है, इन्होंने किसको बनाया था, हैदराबाद को बाद में स्टेट बनाया था। ये भी एक मुगल एम्परर के नोबल ही थे यहाँ पर हैदराबाद में। तो इन्होंने बाद में ये वजीर बन गए थे मुगल एम्पायर के। आसफ जाह टुक एडवांटेज, अब आसफ जाह ने देखा कि भाई यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है डेक्कन में, सो उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया और अपने आप को रूलर बना लिया, घोषित कर दिया अपने आप को रूलर, और 1724 में हैदराबाद का, और हैदराबाद को इंडिपेंडेंट घोषित किया, ठीक है। द स्टेट ऑफ हैदराबाद जो था वो बार बार मराठास के अगेंस्ट में वेस्ट में भी लड़ाई कर रहा था, और इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ किसके अंडर, नयाकास ऑफ प्लेट्यू, ऑफ द प्लेट्यू, आसफ जाह जो थे उस कॉल्ड द निज़ाम ऑफ, इनको क्या बोला जाता है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। बट इन 1798 CE द निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो था वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे। तो अभी बेटा ये चैप्टर, और उसके बाद हमारा राजपूत्स है। चलिए आप आज के लिए बेटा इतना ही, क्विक रिवीजन 1 आप लोग बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब मैं शेयर करूँगी इसके आंसर्स तो आप लोग मैच करेंगे कि आपके कितने करेक्ट है, फाइन, और जो करेक्ट नहीं होगा उसको हम करेक्ट कर लेंगे। सो अभी आप लोग बैठिए, इस चैप्टर को खुद से रीड करिए, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आती है तो बेटा प्लीज़ पूछ लेना,
अब कल हम लोग आगे राजपूत से जाट मराठास, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मराठास, ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ टू आस्क मी. थैंक यू. बाय बाय.